हम आए हुए हैं पूसा प्रखंड के गंगापुर पंचायत और यहाँ क्षेत्र संख्या 6 और राम किशोर ठाकुर जो कि जिला परिषद उम्मीदवार हैं, एक युवा भी हैं, और इनसे जानते हैं कि इनका जिला परिषद चुनाव लड़ने का क्या मकसद है। देखिए, मेरा जिला परिषद चुनाव लड़ने का मुख्य मकसद ये है कि इस क्षेत्र के जो गरीबों हैं, वोट लेकर के अपना नेता तो वो चुन लेते हैं, पर लगातार समस्या उत्पन्न होता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जबकि सरकारी स्कूल उपलब्ध हैं, टीचर भी रहते हैं, कहीं ना कहीं निगरानी की कमी है। स्वास्थ्य व्यवस्था आप देख लीजिए, गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी अस्पताल की व्यवस्था है, पर गरीब को देखिए, अगर गंभीर बीमारी होता है तो मरने के अलावा दूसरा कोई उपाय उनके पास उपलब्ध नहीं होता है। न ही समय पे कोई किसी का मदद कर पाते हैं। कोई भी अधिकारी पदाधिकारी नेता मंत्री के पास चले जाइए, कहीं ना कहीं अगर सेटिंग है तो सहयोग मिलेगा, जो आम पब्लिक है, निष्पक्ष है, उनको सहयोग नहीं मिल पाता है। आपका अपना क्या लक्ष्य है? मेरा अपना लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा जो है सो ये है समस्या है सुरक्षा का। आज जो है सो आम पब्लिक अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग के लोग हों। सुरक्षा, ये तीन चीज पर हम काम करेंगे, बाकी जहां हमसे जो बन पड़ेगा वो हम जरूर से। लेकिन जनता आपको वोट क्यों करे? आपने समाज के लिए ऐसा क्या किया है? आप जो है सो जमीन पे जाकर के उतर के पता कर सकते हैं। समाज के लिए हमने बहुत ऐसी काम किया। मेरे सामने ही अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें भी हम लोगों ने बहुत देख रेख करते हैं हमेशा। और गांव में जो भी सरकारी काम होता है, सरकारी योजना चलता है, उसकी देख रेख करते हैं, और जनता की हम लोग बराबर जो है सो कॉपरेट करते रहते हैं। पब्लिक का हम लोगों ने सेवा किया है, इसी की बदौलत हम लोग चुनाव में आ रहे हैं। क्या अपील करना चाहते हैं अपने जनता से? जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि यही लोकतंत्र का महापर्व है, और चुनाव में तो नए नए चेहरा आएंगे आपके निकट। बहुत तरह की जो है सो आर्टिफिशियल जो है सो ये बना करके आडंबर आपको दिखाएंगे, पर आप ऐसे व्यक्ति की चुनाव करें जो 2 तारीख के बाद भी आपके बीच रहने वाले हैं और एकदम निष्पक्ष रूप से रहने वाला है, ऐसे व्यक्ति को ही आप अपना वोट दे, कम से कम जिससे आपको कुछ उम्मीद हो, बहकावे में नहीं आए, किसी के प्रभाव में नहीं आए, क्योंकि यह दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अभी आपसे मतलब है, तरह तरह का जो है सो आपको प्रलोभन दिया जाएगा और बाद में जो है सो आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा, जैसे कि होते आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।